गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज़ मयूरी कश्यप बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम ऑप्टिमस मेडिकल इंस्टीट्यूट बोरिंग रोड पटना आज की क्लास में हम लोग ट्वेल्थ बायोलॉजी का सबसे लास्ट यूनिट दैट इज़ इकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं एंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्योंकि बोर्ड में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सो so, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी इकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ईकोलॉजी होता क्या है वॉट इज ईकोलॉजी एकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटरक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कम्पोनेंट ऑफ नेचर मीन्स बायोटिक कम्पोनेंट हम किसे कहते हैं लिविंग कम्पोनेंट्स को एंड ए बायोटिक कम्पोनेंट मतलब नॉन लिविंग कम्पोनेंट सो लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच कैसा इंटरेक्शन है इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इकोलॉजी फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक मींस लिविंग कंपोनेंट एंड ए बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ नेचर इसे हम क्या बोलेंगे इकोलॉजी बोलेंगे में so, मई बात इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं जैसे अगर हम एक बायोटिक कंपोनेंट की बात करें लेट्स टेक ग्रीन प्लांट अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कि हमने एलेवेंथ में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स क्या हैं बायोटिक कंपोनेंट हैं लिविंग कंपोनेंट हैं और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं वो किसके मदद से कर रहे हैं सन लाइट के मदद से कर रहे हैं एयर के मदद से कर रहे हैं है. तो ये जो सनलाइट है ये जो एयर है ये क्या है ये ए बायोटिक है सो so, इनके बीच का जो ये इंटरेक्शन है यही क्या कहलाता है इसी का स्टडी कहलाता है इकोलॉजी क्लियर है बात वॉट इज इकोलॉजी इट इज़ ऑल अबाउट स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक ऑफ नेचर समझ में आई बात अब हम लोग देखते हैं कि हम फादर ऑफ इकोलॉजी किसे बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है रीटर है उसी तरह फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे बोला जाता है प्रोफेसर आर मिश्रा को बोला जाता है समझ में आ गई बात फिर से समझते हैं इकोलॉजी क्या है इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ नेचर लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो नेचर में प्रेजेंट है वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड है इसे हम जहाँ स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी समझ में आई बात फिर अब कौन कौन से ए बायोटिक फैक्टर किस तरह से बायोटिक फैक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं या बायोटिक फैक्टर ए बायोटिक फैक्टर से कैसे इंटरेक्टेड है ये आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे अब हम लोग सबसे पहले यहाँ ये समझते हैं कि वॉट आर द ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के ब्रांचेज क्या हैं क्या क्या है देखते हैं जिस तरह बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के ब्रांच कौन कौन से हैं एक है बॉटनी और दूसरा क्या है जुलॉजी तो बॉटनी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं जुलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसी तरह बायोलॉजी में एक ब्रांच है आपका इकोलॉजी जिसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं क्लियर उसी में फ़र्दर बहुत सारे ब्रांचेज आते हैं जैसे सबसे पहला ब्रांच जो इकोलॉजी के अंदर आ रहा है दैट इज़ ऑट इकोलॉजी क्या होता है ऑट इकोलॉजी इट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन इन्वामेंट एंड इंडिविजुअल स्पीसीज़ किसी इंडिविजुअल प्रजाति और इन्वायमेंट के बीच के इंटरेक्शन को जिस इकोलॉजी के ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं ऑट इकोलॉजी बोलते हैं क्लियर बात नेक्स्ट जो इकोलॉजी का ब्रांच है वो है सिन इकोलॉजी वट इज़ सिन इकोलॉजी इट इज इंटरेक्शन बिटवीन इन्वामेंट एंड कम्युनिटी इन्वामेंट और कम्युनिटी के बीच के इंटरेक्शन को जिस इकोलॉजी के ब्रांच में हम स्टडी करेंगे उसे हम बोलेंगे सिन इकोलॉजी क्लियर नेक्स्ट आ जाता है पैल इकोलॉजी व्हाट इज़ पैल इकोलॉजी इट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायमेंट एंड ऑर्गेनिजम ऑफ दी पास्ट हमारे पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म प्रजेंट थे जो कि अभी अभी प्रजेंट नहीं है जो पास्ट में ऑर्गेनिज्म थे और उनका इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन था उसे हम कहाँ जहाँ स्टडी करते हैं उसे हम बोलेंगे पैन इकोलॉजी उसी तरह नेक्स्ट ब्रांच है इकोलॉजी का अप्लाइड इकोलॉजी अप्लाइड इकोलॉजी वैसा इकोलॉजी का ब्रांच है जिसका यूज़ होता है फ इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर मीन्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम जिन इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स का यूज़ करते हैं उस कंसेप्ट्स के बारे में हम जहाँ स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं अप्लाइड इकोलॉजी समझ में आई बात फिर नेक्स्ट आ जाता है जीन इकोलॉजी जीन इकोलॉजी क्या है इट इज़ स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल एडप्टेसन विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक वेरिएशन हमारे जीन में जो वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन के अनुसार हम जिस हिसाब से अपने इन्वामेंट में अडॉप्ट करते हैं जो चेंज लाते हैं उसकी स्टडी हम जहाँ करते हैं उस ब्रांच ऑफ इकोलॉजी को हम बोलते हैं जीन इकोलॉजी जिसमें हम जो जेनेटिक वेरिएशंस हो रहा है उनको स्टडी करते हैं क्लियर है बात ठीक है तो ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी अगर हम देखें तो बहुत सारे ब्रांच हैं इकोलॉजी के कौन कौन से ब्रांच है इकोलॉजी के सबसे पहला आ जाता है ऑट इकोलॉजी दूसरा आ जाता है सिन इकोलॉजी तीसरा आ जाता है पैल इकोलॉजी फोर्थ वन इज अप्लाइड इकोलॉजी एंड नेक्स्ट वन इज जी इकोलॉजी तो ये जो पूरा है ये हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है क्लियर अब नेक्स्ट हम लोग देखें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है आप लोग देखते होंगे हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ डिस्कस किया है कि हमारे इन्वामेंट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज़म हमारे इन्वामेंट में यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज़म भी हैं मीन्स वैसे ऑर्गेनिज़म जो सिंगल सेल के बने हैं और हमारे इन्वामेंट में वैसे भी ऑर्गेनिज़म है जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लियर तो ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनमें सिर्फ एक सेल है वही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उनमें और उन्हें हम बोलते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज़म हैं जिनमें आपको बहुत सारा सेल मिलता है एंड दैट ऑर्गेनिज़म इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम क्लियर तो अगर हम बात करें ह्यूमंस के बारे में तो ह्यूमंस के बारे में अगर बात करें तो जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है सेल है सेल क्या फॉर्म करता है टिशू टिशू फर्दर कम्बाइन टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन फर्दर कम्बाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम मतलब हम अगर अपने बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है सबसे छोटा यूनिट क्या है सेल है क्लियर सबसे छोटा यूनिट क्या है सेल सेल से फिर फर्दर क्या बनता है टिशू टिशू से फिर फर्दर क्या बनता है ऑर्गन ऑर्गन से फिर फर्दर क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड फिर ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज़्म क्लियर ये ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं तो ऐसे भी ऑर्गेनिज़्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है सेल मिलता है ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल के साथ साथ आपको टिश्यू मिलता है बट ऑर्गन नहीं मिलता है ऐसे भी वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेल भी है टिश्यू भी है और ऑर्गेन भी है बट ऑर्गेन सिस्टम नहीं है बट जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें उनमें सेल भी है टिश्यू भी है ऑर्गन भी है एंड ऑर्गन सिस्टम भी है क्लियर तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं इसे ही हम क्या बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ देखा है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका है ये हमारे बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है समझ so नहीं बात उसी तरह हमारे इन्वामेंट का भी क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उसे हम क्या बोलते हैं इकोलॉजिकल हायर क्लियर हमारे इन्वायमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम यानी स्पीसीज़ प्रजाति ऑर्गेनिज्म से फर्दर क्या फॉर्म होता है पॉपुलेशन पॉपुलेशन से फिर फर्दर फॉर्म होगा कम्युनिटी कम्युनिटी से फॉर्म होता है इकोसिस्टम इकोसिस्टम से बायोम एंड देन बायोस्फीयर क्लियर बात यानी अगर हम इन्वामेंट के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्वायरमेंट में जो सबसे छोटा लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन है इकोलॉजिकल हायर की है उसे हम क्या बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म यानी स्पीसीज़ यानी ऑर्गेनिज्म में हम किसके बारे में पढ़ेंगे स्पीसीज़ के बारे में जानेंगे नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म कम्बाइंड टू फॉर्म पॉपुलेशन यानी स्पीसीज के ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं पॉपुलेशन उसी तरह पॉपुलेशन के ग्रुप को कम्युनिटी कम्युनिटी के ग्रुप को इकोसिस्टम सिस्टम इको सिस्टम के ग्रुप को बायोम एंड बायोम के ग्रुप को बायोस्फेयर समझ में ही बात तो ये जो आप अलग अलग लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं इसे ही हम बोलते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की समझ में ही बात एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो एन में टोटल चार लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन पे बात की गई है कौन कौन सा है एन में ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कशन है पॉपुलेशन लेवल पे है कम्युनिटी के बारे में है एंड बायोम के बारे में क्लियर यानी एन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो देयर आर फोर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ऑर्गेनिज़म पॉपुलेशन कम्युनिटी एंड बायोम इकोलॉजी में एक एक करके हम सब लेवल पे बात करेंगे क्लियर सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेवल पे। सो so, ऑर्गेनिज्म लेवल स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी मींस इकोलॉजी में जहाँ जिस लेवल पे हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे उस लेवल ऑफ इकोलॉजी को हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी समझ में आई बात व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी समझ में गई बात तो इकोलॉजी क्या है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या है अगर ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बोलते हैं अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना सो so, ऑर्गेनिज्म में अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्पीसीज़ के कंसेप्ट्स को किस किस तरह की स्पीशीज हमारे इन्वामेंट में प्रेजेंट है उन स्पीशीज के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस किस तरह के हमारे इन्वामेंट में स्पीशीज प्रेजेंट हैं क्लियर सबसे पहला जो टाइप स्पीशीज का आता है उसे हम बोलते हैं इकेट्स e अब इकेट्स e क्या होता है इकेट्स e क्या है तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ एक ही स्पीसीज़ के मेम्बर्स होते हैं जेनेटिकली सिमिलर जेनेटिकली वो एक दूसरे से क्या होंगे सिमिलर होंगे बट बिकम्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट ड्यू टू डिफ़रेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग इन्वायरमेंट में जन्म लेने के कारण या अलग अलग इन्वामेंटल कंडीशन में रहने के कारण जो उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाता है बट जेनेटिकली वो क्या है बिल्कुल सिमिलर हैं सेम इस्पीसीज़ के मेंबर हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे उन्हें हम इकेट्स बोलेंगे क्लियर फिर से समझ रहे हैं वॉट इज ई कैट ई कैस इज मेम्बर ऑफ सेम स्पीसीज सेम स्पीसीज़ के मेम्बर हैं जेनेटिकली एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है बट एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली कहने का मतलब क्या बाहरी अपियरेंस बाहर से देखने में डिफरेंट है क्यों ड्यू टू डिफरेंट इन्वामेंटल कंडीशन अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण तो उसे हम क्या बोल रहे हैं उसे हम ई कैट्स बोल रहे हैं समझ में ही बात अब एक और पॉइंट इसमें हम समझते हैं कि टू इकेट्स विल हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी इन सेम हैबिटेट अगर उन दोनों इकेट्स को एक ही हैबिटेट में रखा जाए तो उनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो क्या होगा सेम होगा सुन में ये बात यानी इकेट्स क्या है मेंबर्स हैं एक ही स्पीसीज के एक ही प्रजाति के मेंबर हैं जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे लेकिन कब होंगे जब सेम हैबिटेट में होंगे अगर उनका हैबिटेट चेंज कर दिया जाए तो वो मॉर्फोलॉजिकली भी क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे समझ में आई बात तो इकेट्स इज मेंबर ऑफ़ सेम स्पीसीज जेनेटिकली सिमिलर बट बिकम्स मॉरफोलॉजिकली डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन बट हैव सिमिलर मोरफोलॉजी इन सेम हैबिटेड समझ में आ गई बात सो so, इसे हम क्या बोलते हैं इकेट्स e बोलते हैं इकेट्स e को और भी हम क्या बोलते हैं इकेट्स e को हम इको फेंस भी बोलते हैं इसमें एक एग्जाम्पल ये भी है इकेट्स इज यू फॉर बिया हिर्टा यानी दो कंडीशंस में आपको मिलेगा एक ओपन सॉयल में स्प्रेड होगा तो उसे हम इैट e वन बोलेंगे और फुटपाथ पर स्प्रेड नहीं होगा तो उसे हम इकैट e टू बोलेंगे बाकी अदर जगह होगा बट फुटपाथ पे स्प्रेड नहीं होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे ईकेड e टू बोलेंगे नेक्स्ट जो टाइप स्पीसीज़ के अंदर आता है दैट इज इकोटाइप्स टाइप्स वॉट इज इकोटाइप्स इको टाइप्स भी सेम स्पीसीज के मेंबर्स हैं बट जेनेटिकली अडेप्टेड फॉर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन बट ब्रीडिंग इज पॉसिबल कहने का मतलब सेम स्पीसीज के मेम्बर जो कि अलग अलग इन्वामेंट के लिए अडप्ट हुए हैं लेकिन उन दोनों के बीच ब्रीडिंग पॉसिबल है कहने का मतलब जैसे अगर हम टेक एक वन एग्जांपल जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के लोगों की और दूसरे तरफ हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के पीपल को अगर दोनों लोगों को देखा जाए तो जेनेटिकली दोनों क्या हैं अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए अडप्ट हुए हैं हमारा जो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है ऑस्ट्रेलिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है दोनों अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अडोप्टेड हैं क्लियर लेकिन दोनों के बीच ब्रीडिंग पॉसिबल है तो इस तरह के स्पीसीज़ को हम क्या बोलेंगे इको टाइप्स बोलेंगे मीन्स मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज़ जेनेटिकली अडेप्टेड फॉर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन बट ब्रीडिंग इज पॉसिबल दोनों के बीच ब्रीडिंग क्या होगा पॉसिबल होगा जबकि वो दोनों के दोनों दूस अलग अलग इन्वामेंटल कंडीशन के लिए अडप्ट हुए हैं समझ में आई बात तो स्पीसीज में हमने जो दूसरा टाइप था वो क्या देखा इको टाइप्स पहला टाइप इकेट्स और दूसरा क्या है इकोटाइप टाइप इकेट्स क्या है सेम स्पीसीज़ के मेंबर जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी हो सकते हैं अगर सेम हैबिटेट है डिसिमिलर होंगे अगर अलग अलग हैबिटेट है दूसरा स्पीसीज क्या है इको टाइप्स सेम स्पीसीज़ के मेंबर हैं बट जेनेटिकली अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए अडोप्ट हुए हैं लेकिन दोनों के बीच ब्रीडिंग पॉसिबल है तो इसे हम क्या बोलेंगे इको टाइप्स नेक्स्ट जो टाइप आ जाता है दैट इज बायोटाइप नेक्स्ट कौन सा टाइप आ जाता है बायोटाइप्स अभी हमने कौन कौन सा टाइप पढ़ लिया सबसे पहले हमने देखा इस्पीसीज़ एंड दूसरा हम स्पीसीज़ में हमने सबसे पहला कौन सा देखा एक कैट्स एंड दूसरा हमने देखा इको टाइप्स उसी तरह से तीसरा टाइप आ जाता है बायोटाइप। बायोटाइप क्या है बायोटाइप बिल्कुल इकोटाइप टाइप जैसा है जस्ट लाइक इकोटाइप। टाइप कहने का मतलब सेम स्पीसीज़ के मेंबर होंगे जेनेटिकली अलग अलग जगहों के लिए अडपटेड होंगे और उनमें क्या था इकोटाइप्स के अंदर ब्रीडिंग पॉसिबल था लेकिन बायोटाइप में क्या डिफरेंस है कि ब्रीडिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है मीन्स बायोटाइप भी सेम स्पीसीज़ का ही मेंबर है अलग अलग इन्वामेंटल कंडीशंस के लिए अडप्ट हुआ है बट दोनों के बीच यहाँ ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होगा इसे हम क्या बोलेंगे बायोटाइप्स समझ में आ गई बात तो तीसरा हमने क्या देखा बायोटाइप नेक्स्ट आ जाता है इसमें इंडमिक स्पीसीज़ नेक्स्ट स्पीसीज का टाइप कौन सा आ जाता है इंडमिक स्पीसीज मतलब वैसे स्पीसीज़ विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया किसी खास जगह पे अगर वो पाया जा रहा है स्पीसीज़ उस स्पीसीज़ को हम क्या बोलेंगे इंडमिक स्पीसीज जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है मेटासिक्विया इन वैली ऑफ चाइना चाइना के वैल्यू में मेटासिकुइया मिल रहा है वो सिर्फ उसी जगह पे मिलता है इसीलिए इस स्पीसीज़ को हम क्या बोलते हैं इंडमिक स्पीसीज़ क्या होता है एंडेमिक स्पीसीज़ वैसा स्पीसीज़ जो सिर्फ आपको किसी खास जगह पे मिले पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में मिले उसे हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीशीज़ चल नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़ लिंक कहने का मतलब क्या होता है लिंक कहने का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्लियर तो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज़ कहने का मतलब एसोसिएशन ऑफ टू स्पीसीज़ एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल मतलब दो स्पीसीज़ एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि दोनों के दोनों अगर एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनका सर्वाइवल क्या है मुश्किल है सरमी बात यानी दोनों का साथ में रहना उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है तो ऐसे अगर स्पीसीज़ हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल लिंक स्पीसीज़ मींस वैसे स्पीसीज़ जो कि एक दूसरे के साथ ही सर्वाइव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में ही रह सकते हैं समझ so, में बात फॉर एग्जाम्पल माइक्रोराइजा एंड लाइकन्स ये हमने एलेवेंथ में पढ़ा था किस तरह से ये एसोसिएटेड रहते हैं और क्यों इनके सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है ये भी हमने देखा है क्लियर तो वैसे स्पीसीज जो एसोसिएशन में रहते हैं जिसके कारण वो सर्वाइव कर पाते हैं दैट स्पीसीज इज कॉल्ड क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्लियर नेक्स्ट वन इज़ की स्टोन स्पीसीज की स्टोन स्पीसीज कहने का मतलब स्पीसीज़ विच आर लेस इन नंबर बट डोमिनेंट ओवर अदर वैसे स्पीसीज जो नंबर में कम हो बट दूसरों के कंपैरिजन में वो काफ़ी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसे हम बोलेंगे की स्टोन स्पीसीज जैसे अगर हम एक फॉरेस्ट की बात करें एक जंगल की बात करें तो उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं बट उन जानवरों में सबसे जो जानवर का जंगल का राजा हम किसे बोलते हैं लायन को बिकॉज वो क्या है डोमिनेंट है सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर किसका है लायन का है तो वैसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज नंबर भले ही कम हो बट सबके ऊपर क्या कर रहा होगा डोमिनेंट कर रहा होगा तो उसे हम बोलेंगे की स्टोन स्पीसीज उसी तरह एक तालाब में आपको क्या मिलता है क्रोकोडाइल मिलता है वो क्या है की स्टोन स्पीसीज है सुन में ही बात तो की स्टोन स्पीसीज हम किसे बोलेंगे वैसा स्पीसीज जो भले ही नंबर में कम हो बट दूसरों के कंपैरिजन में वो क्या है डोमिनेंट है क्लियर नेक्स्ट आ जाता है इकोटोन इकोटोन हम किसे बोलते हैं जस्ट यहाँ हम देख रहे हैं मान लीजिए ये एक जोन है यहाँ फॉरेस्ट का जोन है यहाँ हमने एफ लिख दिया और दूसरा ये हमने बना दिया ग्रास लैंड का जो जी लिख दिया हमने क्लियर तो ये फॉरेस्ट का जोन और ये ग्रास लैंड का जोन फॉरेस्ट और ग्रास लैंड के बीच में आप देख रहे हो एक ऐसा जोन है जहाँ दोनों के दोनों जोन एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड हैं ये जो जोन है इस जोन को हम क्या बोलेंगे इकोटोन बोलेंगे समझ में आई बात क्या बोलेंगे इस जोन को हम इकोटोन बोलेंगे फिर से समझ रहे हैं व्हाट इज इकोटोन ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज ऑन इकोसिस्टम जैसे ये हमने मान लिया फ़ॉरेस्ट इकोसिस्टम और ये हमने मान लिया ग्रास ग्रासलैंड इकोसिस्टम तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बीच जो ये आप ट्रांजिशनल जोन देख रहे हैं इस जोन को हम क्या बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं समझ में आगे बात फॉर एग्ज़ाम्पल सवाना सवाना क्या है ट्रांजिशनल जोन है किसके किसके बीच का फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच का जो अभी हमने डिस्कस किया समझ so, में ही बात तो अभी तक हमने क्या क्या देखा अभी तक हमने देखा स्पीशीज के टाइप्स स्पीशीज के अलग अलग टाइप्स हैं सबसे पहला हमने देखा ईकेट्स और ईकेट्स के बाद हमने क्या देखा इकोटाइप्स देन बायोटाइप्स देन इंडमिक स्पीशीज देन क्रिटिकल लिंक स्पीशीज देन की स्टोन एंड देन इकोटोन ईकेट्स मतलब सेम स्पीशीज के मेंबर बट जेनेटिकली वो क्या है सिमिलर है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे अगर सेम हैबिटेट में है अगर अलग अलग हैबिटेट में है तो क्या होंगे डिसिमिलर होंगे उसी तरह हमने टाइप देखा सेम स्पीसीज़ के मेंबर है बट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए अडप्ट हुए हैं और ब्रीडिंग उनके बीच पॉसिबल है ब्रीडिंग जहाँ पॉसिबल नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे बायोटाइप वैसा स्पीसीज़ जो किसी खास जगह पे मिले इंडमिक स्पीसीज वैसा स्पीसीज जो किसी के साथ एसोसिएशन में ही रह सकता है क्योंकि वो उसके सर्वाइवल के लिए असेंशियल है उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल लिंक स्पीसीज़ नेक्स्ट वन इज़ की स्टोन स्पीसीज़ मतलब वैसा स्पीसीज़ जिनका नंबर भले ही कम हो बट वो क्या कर रहे हो डोमिनेंट कर रहे हो उसे हम बोलेंगे की स्टोन स्पीसीज एंड नेक्स्ट वन इज इकोटोन दो जोन दो ट्रांजिश दो जोन के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है उसे हम क्या बोलेंगे इकोटोन बोलेंगे आई बात? तो ये सारे स्पीसीज़ से रिलेटेड कंसेप्ट है जो हमें पता होने चाहिए में गई बात सो अभी तक हमने जितने भी स्पीसीज़ थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया जो भी हमारे सिलेबस के अंदर हैं अब हम लोग ऑर्गेनिज्म के बाद मूव करते हैं पॉपुलेशन नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे सो so, पॉपुलेशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है व्हाट इज़ पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज़ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसी एक ही तरह के स्पीसीज़ का ग्रुप क्या कहलाता है पॉपुलेशन कहलाता है क्लियर व्हाट इज़ पॉपुलेशन इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसी सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल का ग्रुप क्या कहलाता है पॉपुलेशन कहलाता है सो so, पॉपुलेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले जो आता है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी वॉट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया में जो भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इज काउंटिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज़ नॉट ओनली क्राइटेरिया टू ऑप्टेन पॉपुलेशन डेंसिटी सो रिलेटिव डेंसिटी इज़ ऑल्सो यूज मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आप किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म के नंबर को गिन करके काउंट करके ये नहीं पता कर सकते कि उस पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है समझ so में बात इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का यूज़ करते हैं क्लियर जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास अगर हम बायोमास के बेसिस पे बात करें सिंगल लार्ज ट्री विल हैव मोर डेंसिटी देन थाउजेंड्स ऑफ ग्रासेस एक अकेला ट्री एक अकेला पेड़ की अगर हम बात करें और हज़ार घास की बात करें ग्रास की बात करें तो एक ट्री और थाउजेंड्स ऑफ ग्रास को अगर हम कंपेयर करें तो किसका बायोमास ज़्यादा होगा सी बात है किसका ज़्यादा होगा एक पेड़ का ज़्यादा होगा क्लियर तो इसीलिए हम नंबर्स को काउंट करके कभी किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे रिलेटिव डेंसिटी यूज़ करेंगे समझ में आगे बात जैसे एक बार इंडिया में टाइगर सेंसन यानी टाइगर्स के नंबर को काउंट करने के लिए क्या यूज़ किया गया था बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फिकल पैलेट्स समझ में आ गई बात फिर से समझ रहे हैं व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज़ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंडिविजुअल्स के नंबर को काउंट करिए और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए बिल्कुल नहीं आप रिलेटिव डेंसिटी का यूज़ करके ही पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ यूज़ करेंगे समझ आगे बात जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा है नेक्स्ट नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें आता है दैट इज एज रेशियो पिरामिड व्हाट इज एज रेशियो पिरामिड एज रेशियो पिरामिड इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन अ पॉपुलेशन फॉर्म्स एज रेशियो पिरामिड मींस अगर आप किसी पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एज रेशियो पिरामिड फिर से समझ लीजिए किसी भी पॉपुलेशन में अगर आप अलग अलग एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे एज रेशियो पिरामिड समझ में बात व्हाट इज़ एज रेशियो पिरामिड फिर से बता रहे हैं किसी पॉपुलेशन में अगर आप अलग अलग एज ग्रुप के लोगों अलग अलग एज ग्रुप कहने का मतलब आपने मान लीजिए पहले वैसा एज ग्रुप लिया जिनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं है क्लियर फिर आपने ऐसा ग्रुप ले लिया जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिर आपने एक ऐसा ग्रुप ले लिया जो जिनके पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो चुकी है जो ओल्ड एज पीपल हैं क्लियर और उनको आप ग्राफ के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज रेशियो पिरामिड समझ आई बात नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एज रेश एज रेशियो पिरामिड टाइप्स अब हम लोग देखते हैं एज रेशियो पिरामिड का तीन तरह के टाइप्स हैं सबसे पहला ट्राइंगुलर दूसरा कौन सा आ जाता है बेल शेप्ड तीसरा आ जाता है ऑन शेप्ड क्लियर यानी अगर हम एज रेशियो पिरामिड के टाइप देखें तो सबसे पहला हमने कौन सा देखा ट्रायंगुलर दूसरा हम देख रहे हैं बेल शेप और तीसरा देख रहे हैं ऑन शेप समझते हैं यहाँ ट्राइंगुलर में आप देखिए हमने लिखा है पी वन पी टू एंड पी थ्री सेम बेल शेप में भी हमने लिखा है एंड ऑन शेप में भी लिखा है पी वन का मतलब होता है पी वन में हम वैसे एज ग्रुप के लोगों को रखते हैं जिनका जिनके पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है जो बिल्कुल नए होते हैं न्यू बर्न होते हैं उनको हम किस फेज में रख रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज में रख रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज में रख रहे हैं मतलब वैसा एज ग्रुप जिनके पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है उसे हम पी वन से निनोट कर रहे हैं एंड उसे हम क्या बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज क्लियर अब वैसा एज ग्रुप जिनके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज उसे हम कौन सा एज बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज और उसे हम डिनोट करते हैं पी टू से क्लियर एंड ओल्ड एज पीपल मतलब वैसे पीपल जो अपने रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं उन्हें हम रखते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के अंदर और उसे डिनोट करते हैं पी थ्री से सुनमाई बात फिर तो तीन एज ग्रुप में डिवाइड किया है हमने प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट में आई बात अब हम लोग ये जो टाइप्स हमने लिखा है ट्रायंगुलर बेल शेप्ड एंड अन, अन शेप पिरामिड इसके इसका मतलब समझते हैं ये होता क्या है ट्रायंगुलर कहने का मतलब होता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ट्राइंगुलर शेप्ड कहने का मतलब एक्सपेंडिंग एक्सपेंड Expand मतलब क्या होता है बढ़ना क्लियर? तो वैसा पॉपुलेशन जिसमें बर्थ रेट इज़ हाई बर्थ रेट क्या हो ज़्यादा हो सो देयर इज़ मोर डिफरेंस बिटवीन पी वन पी टू एंड पी थ्री अगर हम इस पिरामिड को देखें तो पी वन पी टू और पी थ्री में बहुत ही डिफरेंस है अगर बाकी शेप से कंपेयर करें तो ट्राइंगुलर में पी वन और पी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्लियर तो ट्राइंगुलर शेप में हो क्या रहा है वैसा पॉपुलेशन जिसमें बर्थ रेट यानी जन्म का जो रेट है वो ज़्यादा हो और डेथ रेट क्या हो कम हो तो उसमें क्या होगा पॉपुलेशन बढ़ेगा एंड दैट पॉपुलेशन इज़ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्लियर और उसके कारण जो पिरामिड बनेगा वो कैसा होगा ट्राइंगुलर शेप समझ में आ गई बात ठीक है तो ट्राइंगुलर शेप पिरामिड कब होगा जब बर्थ रेट क्या होगा हाई होगा नेक्स्ट आते हैं बेल शेप पिरामिड बेल शेप्ड पिरामिड कहा जाता है कि स्टेबल पॉपुलेशन होता है इसमें स्टेबल पॉपुलेशन कहने का मतलब स्थिर एकदम नॉर्मल बैलेंस्ड पॉपुलेशन है ठीक है तो यहाँ पे बर्थ रेट क्या है बर्थ रेट इज कंट्रोल्ड बर्थ रेट कंट्रोल्ड है सो देयर इज़ मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन पी वन पी टू एंड पी थ्री अगर आप यहाँ देखें बेल शेप्ड में तो पी वन पी टू और पी थ्री तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है अगर ट्रायंगुलर से कंपेयर किया जाए तो ट्रायंगुलर में बहुत डिफरेंस था बट बेल शेप्ड में उतना डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है समझ में आई बात तो वैसा पॉपुलेशन जिसमें बर्थ रेट कंट्रोल्ड हो मतलब जितना बर्थ हो रहा है उतना ही डेथ हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेल शेप्ड पिरामिड समझ आ गई बात क्लियर नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज अर्न शेप्ड पिरामिड अर्न शेप्ड पिरामिड में अगर देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या हो रहा है कम हो रहा है क्यों क्योंकि यहाँ बर्थ रेट क्या है बहुत ही कम है जितने ज़्यादा लोग मर रहे हैं उतने ज़्यादा लोगों का जन्म यहाँ नहीं हो रहा है इस कारण P1 अगर देखें तो P1 इज़ लेस देन पी अगर इस स्ट्रक्चर में भी हम देखें तो P1 क्या है P2 से छोटा है ना तो क्यों है ऐसा क्योंकि बर्थ रेट यानी जन्म का जो रेट है वो क्या है कम है समझ में आ गई बात क्लियर तो एज रेशियो पिरामिड के तीन टाइप ट्रायंगुलर बेल और बेलशेप्टन ट्रायंगुलर कब होगा जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगा तो ट्रायंगुलर अगर बर्थ रेट कंट्रोल्ड है मींस जितना बर्थ हो रहा है उतना ही डेथ हो रहा है तो बेल शेप्ड अगर बर्थ रेट कम है तो अन शेप्ड समझ में आ गई बात क्लियर है तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एज रेशियो पिरामिड अब हम लोग इकोलॉजी में कुछ टर्म्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे एंड नीट में भी इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं उस टर्म्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो टर्म आपको यहाँ देखने को मिला है दैट इज नेटालिटी व्हाट इज़ नेटालिटी नेटालिटी हम बोलते हैं बर्थ रेट को जो जन्म का रेट है उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं नेटालिटी से और पर इंडिविजुअल चेंज ड्यू टू नेटालिटी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल से और वो सिंबल क्या है वो सिंबल आपको यहाँ हम लोग देख रहे हैं यानी नटालिटी यानी हम बर्थ रेट की बात कर रहे हैं और बर्थ रेट को हम जिस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं वो ये सिंबल है समझ में आई बात कौन सा सिंबल है ये वाला सिंबल है सिंबल क्या है कैपिटल एंड स्मॉल एंड बाय एन डेल्टा टी ठीक है कैपिटल एन स्मॉल एन मीन्स क्या होता है न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस जो नए इंडिविजुअल स्मॉल एन का मतलब जो नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम इससे डिनोट कर रहे हैं एंड कैपिटल एन का मतलब जो इनिशियल डेंसिटी थी एंड डेल्टा टी का मतलब जो टाइम में चेंज आ रहा है तो ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है नेटालिटी का रिप्रेजेंटेशन यानी बर्थ रेट अगर आपसे पूछा जाए बर्थ रेट क्या है तो आप इसके थ्रू बता सकते हो कि किसी भी पॉपुलेशन का बर्थ रेट क्या है सिंपली न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय इनिशियल डेंसिटी इन चेंज इन टाइम दैट रिप्रजेंट बर्थ रेट क्लियर है बात नेक्स्ट नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड है डेट इज मॉर्टालिटी मॉर्टालिटी ठीक नेटालिटी के अपोजिट है मॉर्टालिटी का मतलब होता है डेथ रेट बर्थ रेट इज़ नेटालिटी एंड डेथ रेट इज मॉर्टालिटी क्लियर है बात ना अनदर टर्म इज इमाइग्रेशन वट इज़ इमाइग्रेशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अगर किसी पॉपुलेशन से कोई ऑर्गेनिज्म परमानेंटली रिमूव हो रहा है परमानेंटली बाहर जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं इमाइग्रेशन वट इज़ इमाइग्रेशन परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम पॉपुलेशन किसी पॉपुलेशन से हमेशा के लिए कोई बाहर जा रहा है तो उस पॉपुलेशन से वो क्या कर रहा है इमाइग्रेट e कर रहा है यानी परमानेंटली शिफ्ट कर रहा है जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई अमेरिका हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहा है कैलियर तो उसे हम क्या बोलेंगे इमाइग्रेशन आ गई बात ना नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज इमीग्रेशन वट इज इमीग्रेशन इट इज़ परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पीसीज इन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन किसी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में अगर कोई बाहर से हमेशा के लिए आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे इमाइग्रेशन e ये ईमे इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन e ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं एक में क्या हो रहा है परमानेंटली बाहर जा रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में परमानेंटली वो अंदर आ रहा है तो ये एड हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है ये माइनस हो रहा है उस पॉपुलेशन से समझा गई बात क्लियर अब हम लोग नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला देखते हैं मान लीजिए यहाँ हमने ये लिया एक पॉपुलेशन क्लियर इस पॉपुलेशन में ऐड क्या क्या हो रहा है सबसे पहले नेटालिटी यानी बर्थ रेट जितने भी बर्थ हो रहे हैं वो ऐड हो रहे हैं और जो इस पॉपुलेशन में हमेशा के लिए आ रहा है दैट इज ई माइग्रेशन क्लियर यानी इस पॉपुलेशन में ऐड क्या हो रहा है नेटालिटी प्लस ई माइग्रेशन अब इस पॉपुलेशन से बाहर क्या जा रहा है इस पॉपुलेशन से बाहर क्या जा रहा है जो स्पीसीज़ हमेशा के लिए इस पॉपुलेशन से किसी और पॉपुलेशन में जा रहा है दैट इज़ इमाइग्रेशन तो इस पॉपुलेशन से उसे हम माइनस कर देंगे ठीक या डेथ रेट यानी मॉर्टलिटी जो हमेशा के लिए ये भी स्पीसीज़ क्या हो रहा है हमेशा के लिए इस पॉपुलेशन से जा रहे हैं तो इन दोनों के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव साइन क्लियर अब इन सबको हमने एक फार्मूला से रिप्रेजेंट किया है अगर आप इसे देखिए दैट इज़ एन ब्रैकेट में टी प्लस वन ये क्या है ये फाइनल पॉपुलेशन है फ़ाइनल पॉपुलेशन कहने का मतलब अगर हमें अभी जानना है कि हमारा पॉपुलेशन क्या है तो उसे जानने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है देखते हैं क्या क्या है सबसे पहले एन टी एन मतलब पहले भी हमने यहाँ दिखाया था आपको एन मतलब क्या होता है इनिशियल डेंसिटी एन इज़ इनिशियल डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी क्या है प्लस बी प्लस आई वट इज़ बी प्लस आई बी मतलब बर्थ रेट यानी नेटालिटी और आई मतलब इमाइग्रेशन दैट इज़ परमानेंट इनवॉर्ड मूवमेंट तो नेटालिटी और इमाइग्रेशन को उस पॉपुलेशन में ऐड करना है बिकॉज़ ये दोनों ही पॉपुलेशन में क्या हो रहे हैं हमेशा के लिए आ रहे हैं उसके बाद माइनस किसे हम माइनस करेंगे जो हमेशा के लिए इस पॉपुलेशन से बाहर जा रहे हैं तो माइनस क्या हो रहा है डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया इमिग्रेशन क्लियर जो कि परमानेंटली बाहर जा रहे हैं सरमाई बात तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि अगर आपको किसी भी पॉपुलेशन के बारे में है कि उस पॉपुलेशन में कितने मेंबर हैं किसी इंडिविजुअल स्पीसीज़ के कितने मेंबर हैं तो आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं अब हम लोग इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन इन अ पॉन्ड टोटल सिक्स थाउजेंड मेम्बर ऑफ ब्लू ग्रीन एलगी गी वेयर प्रजेंट एक तालाब है उस तालाब में टोटल कितने हैं छः हज़ार मेंबर किसके हैं ब्लू ग्रीन एलगी के प्रजेंट हैं शोड नेटालिटी नेटालिटी शो करते हैं कितना टेन परसेंट ईमाइ्रेशन कितना होता है फाइव परसेंट डेथ रेट ट्वेंटी परसेंट एंड इमाइग्रेशन टेन परसेंट दैन वट विल बी द फाइनल साइज ऑफ़ पॉपुलेशन नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या पॉपुलेशन होता है एंड वट काइंड ऑफ एज रेशियो पिरामिड विल बी फॉर्म एज रेशो पिरामिड क्या फॉर्म होगा क्लियर तो इसके लिए सबसे पहला हमें फ़ाइनल पॉपुलेशन निकालने के लिए भी थोड़ी देर पहले हमने जो फॉर्मूला लिया था उसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे सबसे पहले हम लोग जो इनिशियल डेंसिटी है उसे लेते हैं तो इनिशियल डेंसिटी क्या दी गई है छः हज़ार ठीक है इनिशियल डेंसिटी क्या है छः हज़ार यानी एन टी इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड क्लियर फिर बर्थ कितना हुआ बर्थ यहाँ पे मैंशनड है कितना हो रहा है सिक्स थाउजेंड का दस परसेंट नेटालिटी यहाँ मैंशन है ना तो सिक्स थाउजेंड का टेन परसेंट कितना होगा सिक्स हंड्रेड उसी तरह इमाइग्रेशन इमाइ्रेशन इमीग्रेशन सॉरी इमीग्रेशन फाइव परसेंट यानी सिक्स थाउजेंड का फाइव परसेंट कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड तो बर्थ रेट प्लस इमा इमीग्रेशन टोटल मिला के टोटल कितना हो गया और इनिशियल डेंसिटी ये तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारा हो रहा है सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड क्लियर अब इस पॉपुलेशन में से कितना हमें माइनस करना है तो जो डेथ हुआ है और जो परमानेंटली रिमूव हुए हैं यानी डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन क्लियर तो डेथ का जो रेट है वो कितना है ट्वेंटी परसेंट यानी नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे सिक्स थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट दैट इज़ ट्वेल्व हंड्रेड एंड इमाइ्रेशन यानी टेन परसेंट है तो दैट इज़ सिक्स हंड्रेड और इन दोनों को मिला करके कि कितना हो रहा है टोटल एटीन हंड्रेड क्लियर तो जो इनिशियल था वो इनिशियल कितना था इनिशियल पॉपुलेशन था छः हज़ार उसमें ऐड कितना हुआ एक साल में जितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं यानी सिक्स हंड्रेड और जितने उसमें आए हैं पॉपुलेशन यानी 300 तो टोटल कितना हो गया 6900 और उससे जो बाहर गए हैं यानी जिनका डेथ हुआ है और जो परमानेंटली बाहर दूसरे पॉपुलेशन में चले गए हैं तो वो क्या है टोटल 1800 तो हमने 6900 में से 1800 को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया 5100 वन हंड्रेड दैट इज़ एंड स्मॉल टी प्लस वन यानी ये हमारा फाइनल पॉपुलेशन है यानी पहले पॉपुलेशन क्या था छः हज़ार अब पॉपुलेशन क्या हो गया फिफ्टी वन हंड्रेड तो पॉपुलेशन घटा है ना तो पॉपुलेशन अगर घटा है तो पिरामिड कौन सा फॉर्म होगा ऑनशेप्ड यानी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या हो रहा है कम हो रहा है समझ में आ गई बात तो यहाँ हमें करना कुछ नहीं है यहाँ हमें बस यही करना है कि जो इनिशियल पॉपुलेशन है इनिशियल पॉपुलेशन जो दिया गया है उसमें अब कौ, पि, पिछले एक साल में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐड हुए हैं और कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उसे माइनस हुए हैं वो हटा करके कैलकुलेट करना है अगर पॉपुलेशन बढ़ा है तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यानी ट्रायंगुलर शेप पिरामिड हो जाएगा अगर पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा मान लीजिए यहाँ आंसर हमारा छः हज़ार आ जाता तो पॉपुलेशन क्या कहलाता शेप एंड यहाँ पॉपुलेशन क्या हुआ है कम हुआ है तो इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं जी समझ में आ गई बात तो दैट्स ऑल फॉर टू लेक्चर बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक जो जो कुछ भी हमने पढ़ा है सबको अच्छे से स्टडी कर लेना है एंड बाकी का यहाँ तक का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा थैंक यू